हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजे आयुर्वेदा में। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, 1100 रुपए का आज उन्होंने फंड डोनेट किया है, दान दिया है हमको। हमारे एजे फाउंडेशन में आज ही आया था। नाम है नरवीर सिंह, पंजाब से हैं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो देख के हमने बताया उन्हें, हम आप लोगों को बताया कि इस तरह से मैं गरीब लोगों की मदद करूंगा। तो पूरा हिसाब आपको मैं दूंगा, जितना भी जो भी लगेगा। मैं मुझे क्या ले जाना, कोई कुछ नहीं ले जाता, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। तो बस जितना हो सकेगा मैं अच्छा करता रहूंगा लोगों के लिए, उतना जितना हो सकेगा उतना अच्छा करता रहूंगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरवीर सिंह भैया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, अब मैं हाँ पहले आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप में से कोई भाई अगर चाहे जो हमारे फाउंडेशन में कुछ दान देना चाहता है, तो अकाउंट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलता है, अकाउंट इधर भी मिल जाएगा। तो आप मुझे थोड़ा बहुत जो भी आप चाहें, 10, 20, 50 रुपए आप डोनेट कर सकते हैं। इससे आपके का योगदान बना रहेगा, आप भी अच्छे बने रहोगे और हमारा भी सहयोग हो जाएगा, हम लोगों को, गरीब लोगों को मदद करने में। और पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, ठीक है, बना बना कर जिसकी भी मदद करेंगे। हाँ, आज की बात बताएं, आज की बात ये है, मैंने किसी को पैसे दिए थे 10,000 रुपए, वो ले गए थे हमसे। आज 3 महीने हो गए, तो 3 महीने के 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए ब्याज का बन रहा था। तो मैंने उनसे उन्होंने पहले ब्याज दिया, पैसे मैंने ले लिए, लेकिन मेरे अंदर ना ऐसा लगे मैं घुट रहा हूँ अंदर अंदर। वो पैसे हाथ में पकड़ी था, मम्मी भी बैठी थी, पापा भी बैठे थे, लेकिन अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे घुटन सी हो रही है वो पैसे पकड़ के, मतलब वो अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे। और जब मैंने दूसरे अपने वाले लिए 10,000, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उनको वापस कर दिए। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए ब्याज भाई, मैं ये झेल नहीं पाऊंगा, मुझे मेरी कभी मदद कर देना, मैं कभी जरूरत मुझे पड़े तो। बहुत खुश हुए वो, बहुत खुश हुए और बोले बेटा तेरे जैसा कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। हम कैसी बात नहीं है, होंगे बहुत सारे लोग। अब देख लो नरवीर सिंह भाई को ही देख लो, है ना। तो ये है, बहुत सारे लोग पड़े हैं, हम कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोगों की हमारी भी मदद करी है लोगों ने। और हालांकि पैसे उन्होंने लिए होंगे, मम्मी पापा से कर्जा लिया होगा, ब्याज लिया होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, ये गलत है, ये नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कितना भी टाइम हो जाए मुझे नहीं पसंद है। चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं। हाँ, आप अगर मदद करना चाहते हो, तो अगर हमारे चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हो, हमारे फाउंडेशन को, अपने, हमारा नहीं, आप लोगों का, हम सबका है, अब हमारे फाउंडेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ डोनेट जरूर करें, ठीक है, जो भी चाहें आप। तो ठीक है, नुस्खा मैं बताता हूँ, नुस्खा क्या है आज का। आज का नुस्खा है, वीर बनेगा फेविकॉल की तरह गाढ़ा। तो भाई बहुत ही जबरदस्त, एक मैंने और वीडियो बनाया था, वो भी मैंने बताया था, लेकिन ये जो वीडियो है ये भी बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही आसान है, सस्ता है। गांव वाले लोग क्या करेंगे, सिटी वाले लोग क्या करेंगे, वो बताएं। सिटी वाले लोग अपने नजदीक की पंसारी दुकान से लेकर आ सकते हैं इस चीज को, और गांव वाले लोगों की तो बल्ले बल्ले भैया। आपको क्या करना है, दो चीजें लेनी है, एक तो आपको लेना है बबूल का गोंद, ठीक है, बबूल का गोंद, और दूसरा आपको लेना है बहुफली, ठीक है। बहुफली एक पौधा होता है, हमारे गांवों में मिल जाता है, मैं दिखा देता हूँ, वीडियो इस तरह का है, मैंने वीडियो बना के तैयार किया था। तो ये इस तरह का बहुफली का पौधा होता है, ये काफी बड़ा होता है, 6-7 फुट तक चला जाता है लंबा, और पीले फूल आते हैं इस पे, और यही रहता है, आप आराम से देख लो, इस तरह का रहता है। तो इसके आपको, अगर पहले तो मतलब इसके पत्ते लेके आने हैं आपको, ठीक है, आपको बहुफली के पत्ते लेके आने हैं, ठीक है, और गोंद लेके आना है, चीनिया गोंद बोलते हैं, सब असली गोंद होता है। तो
असली गोंद कौन सा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो असली गोंद वो होता है, आप पंसारी की दुकान से लाओगे वो असली नहीं देगा। अगर आप चाहते हो मुझे असली चीज बनानी है तो गोंद आप जाओ और रोड पे जहां पे बबूल के पेड़ खड़े होते हैं, बबूल कीकर वाला नहीं, जो लंबे लंबे कांटे नुकीले आते हैं वो वाला, बहुत पतझड़ जैसा लगता है वो, छाई ही छाव भी नहीं होती उसकी ढंग से। कीकर की तो छाव हो जाती है अच्छी, उसपे मतलब अच्छा झाऊदार वो आता है, लेकिन बबूल की छाई तक नहीं होती है। अगर उसके नीचे बैठ जाओगे तो गर्मी में बैठने लायक नहीं होता वो। तो बबूल का जो पेड़ होता है उसका गोंद आपको छुटा लेना है, मिल जाएगा आसानी से अगर आप गांव में रहते हो तो। सिटी में भी रहते हो फिर भी आप थोड़ा बाइक उठाओ और घूम लो थोड़ी देर यार, घूमने क्या जाता है, अगर घूम लोगे मिल जाएगा, मिल गया तो बल्ले बल्ले, असली चीज मिल गई तो आपका असली काम होगा, मार्केट से लोगे तो नकली काम होगा, बात वही है, थोड़ा मेहनत कर लोगे तो मजा आ जाएगा, असली चीज मिलेगी। तो हाँ गोंद लेके आना है 50 50 ग्राम, नहीं तो 10 ग्राम ले लो, 10 ग्राम, और बहुफली की पत्तियां 10 ग्राम, इन दोनों चीजों को खूब पीसो, पीस कर छोटी छोटी चने बराबर गोलियां बना लो। अब इन गोलियों को आप आराम से रख लो, ऊपर से चांदी का बर्क चढ़ा सकते हो, सोने का बर्क चढ़ा सकते हो। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, एक एक गोली सुबह शाम खाली पेट, खाली पेट मतलब खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले दूध के साथ लेनी है। कम से कम 200-250 ग्राम दूध होना चाहिए, जो आधा किलो पी सकें वो आधे किले के साथ, जो 1 किलो पी सकें वो 1 किले के साथ, यहां तक 1 किलो तक दूध पी सकते हो आप एक गोली के साथ, ठीक है। इसके बाद आपको तली हुई भुनी हुई गर्म चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है, ठीक है। हल्का भोजन करना है, पेट साफ रखना है, और पेट सबसे पहले साफ रखना है। आप चाहे पेट सफाल मतलब जुलाब लेने के लिए कुछ भी टैबलेट ला सकते हो, या अंडी का तेल दूध में मिला के पी सकते हो, अंडी का तेल दूध में मिला, जैसे अब मैं बता देता हूँ, देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, टेंशन मत लो। आपको करना क्या है, अंडी का तेल लेके आ जाना है, 2 ढक्कन अंडी का तेल, रात को सोते समय एक एक गिलास दूध लो, उसमें डाल दो, डाल के घोलो और पी जाओ, घोल के पी जाओ और सो जाओ, सुबह पेट साफ। 2-3 दिन तक लगातार कर लो, तब तक वो औषधि आपकी बन, तब तक वो बबूल का जो गोंद है वो ढूंढने जाओ, और बहुफली का पौधा है वो ढूंढ लो, ठीक है। दोनों चीजें तब तक मिल जाएंगी, 2-3 दिन तक अंडी का तेल आप आराम से पी लो, पेट साफ हो जाएगा, तब तक उधर वो भी आप बना लोगे, फिर वो स्टार्ट कर दो आराम से। बस इतना सा ही काम है, अगर इतना कर लिया भाई मेरे, तो भाई कसम से बता रहा हूं, इतना जबरदस्त ये उपाय है कि वीर इतना गाढ़ा हो जाएगा शहद के माफिक, आप यकीन नहीं करोगे। तो अगर यकीन कर रहे हो तो ए जे भाई पे, तो इस उपाय को आसानी से बनाकर और उपयोग करो इसका, ठीक है। क्योंकि अगर इसे उपयोग करोगे तो ए जे भाई को हमेशा जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक। तो ठीक है, यही था नुस्खा, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया उसके लिए सॉरी। और अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ मिले, जैसे दवाई आपको कोई भी चाहिए, मान के चलो कोई भी दवाई चाहिए, नपुंसकता से ना संबंधित या कोई भी, तो मुझे संपर्क एक बार जरूर कर लेना कि ये जे भाई मैं ये लेना चाहता हूँ, या कहीं से खरीद रहा हूँ, तो मुझसे एक बार संपर्क जरूर कर लेना, तब ही लेना, ठीक है। तो ठीक है, चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का, और एजे फाउंडेशन में मदद करने वालों के लिए धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद, आप भी करोगे मुझे पता है, देर सवेर लेकिन करोगे, ठीक है, धन्यवाद।